हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ। आप देख रहे हैं मूवी मॉन्क। तो फिर से एक रीमेक के साथ अक्षय कुमार आ चुके हैं बॉलीवुड में। आज रिलीज हुआ है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म द सेल्फी। जो बेस है एक फैन और उसका सुपरस्टार के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक मलयालम फिल्म का फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है ड्राइविंग लाइसेंस। इस मूवी में हमारा सुपरस्टार यानी अक्षय कुमार भोपाल जाते हैं एक मूवी के शूटिंग के लिए और कुछ सर्कमस्टेंसेस में उनको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनको आना पड़ता है अपने सबसे बड़े फैन के पास जो एक पुलिस ऑफिसर है इस मूवी में, और वो पार्ट निभाया है इमरान हाशमी। सही सिंपल सा प्लॉट है इस मूवी का। अब बात करते हैं कि 300-400 रुपये दे के इस मूवी को हॉल में देखना हमारे लिए किफ़ायती सौदा है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या मूवी पूरा फ्लॉप है? तो आइए जानते हैं इस मूवी के कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। पहले बात करते हैं अक्षय सर की एक्टिंग। बंदे में पोटेंशियल तो है पर रीमेक क्यों बनाता है वो समझ नहीं आता। बार 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 वो रीमेक ही बनाया जा रहा है। पहले बच्चन पांडे, फिर ये वाला मूवी, दोनों ही रीमेक है। रीमेक पिट रही है बॉलीवुड में बहुत पहले से। रीमेक बनाना अब वो ट्रेंड नहीं रहा। लोगों को ओरिजिनल कंटेंट चाहिए पर वो कंटेंट बॉलीवुड हम लोगों को नहीं दे पा रहा है। इसीलिए साउथ मूवीज दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और बॉलीवुड पीछे आ रहा है। इस मूवी में अक्षय बिल्कुल ही ओवरशैडो हो गए इमरान हाशमी सर के एक्टिंग के सामने। बंदे ने पूरे मूवी में फाड़ के रख दिया है। ये एक रीमेक है फिर भी इमरान हाशमी सर ने अपना 100% दिया है इस एक्टिंग में। कहीं कहीं जगह पे फील होता है कि एक इमोशन जो एक सुपरस्टार को देख के एक फैन के दिल में होता है वो बिल्कुल इस मूवी में फील हो रहा था। सबके सामने अपनी यही चौड़ दिखाना चाहते थे ना तुम कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया RTO। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेचारा है कोई पब्लिक उस सितारे को जमीन में लेके आएगी। आपको आइडिया नहीं है जब एक सीधे साधे आदमी सटकती है तो किस हद। मूवी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है पर इमरान हसन के एक्टिंग ने पूरे ऑडियंस को एंगेज रखा था शुरू से लेके आखिरी तक। वहीं पर अक्षय कुमार सर फिर से फेल हो गए वो फैक्टर क्रिएट करने में बड़े पर्दे पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है एक बड़े एक्टर से। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन है हमारी अक्षय सर से। अक्षय सर हमेशा जब भी आते हैं कुछ नया ले आते हैं, यही बॉलीवुड का ट्रेंड रहा है। पर अभी फिलहाल अक्षय सर ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, इस बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनकी मूवीज़ के कलेक्शन में, क्योंकि उनका जो स्टारडम का जादू है वो अभी नहीं चल पा रहा है बॉलीवुड में। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी मूवीज़ का जो सिलेक्शन है, क्योंकि वो जो मूवी सिलेक्ट कर रहे थे पहले वो एक अलग अलग जॉनरा की मूवीज थी, पर अभी जो मूवीज है बस रीमेक के नाम पे वो लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं चलेगी बॉलीवुड में। मूवीज में 3 एक्ट्रेस है जिनके डायलॉग पूरे मिला के 1 से 2 लाइन होंगे, उनको क्यों मूवी रखा है वही जाने। नुसरत बुराचा ये बहुत ही एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है पर इनको मूवी में पूरा वेस्ट कर दिया, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ अच्छाई के बारे में। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यही है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के दूसरे फिल्मों जैसे जबरदस्ती गाने नहीं घुसाए, क्योंकि गाना फिल्म का पेस जो है वो स्लो कर देता है और कुछ गाने तो बहुत इलॉजिकल भी होते हैं। फिर भी इस मूवी ने सिर्फ एक ही गाना था एकदम स्टार्टिंग में जो हमको बॉलीवुड के एक शूटिंग को दिखाता है, जो एक फिल्म का ही पार्ट हम लोग पकड़ के चलेंगे, वो बहुत ही अच्छा था। इस मूवी का टोन पहले से ही बहुत ही लाइट था और एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। इसको फैमिली के साथ आप आराम से देखते हैं क्योंकि इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है। बहुत ही अच्छा क्लीन कॉमेडी है, बहुत ही मज़ेदार मूवी है। अगर किसी ने मलयालम मूवी नहीं देखी है तो उनके लिए ये मूवी थोड़ी अच्छी हो सकती है, बट ये मूवी जस्ट अ वन टाइम वॉच मूवी है। डायरेक्शन, इस मूवी के जो डायरेक्टर है राज मेहता, उनके जो प्रीवियस काम है जैसे गुड न्यूज़ या फिर हम देखे जुग जुग जियो, उनका जो एक रोमांटिक इमोशनल टोन था वो भी इस मूवी में हम लोग देख सकते हैं। और ये मूवी का जो टोन है ये राज मेहता का स्पेशलिटी है, जो इमोशनल अटैचमेंट वो क्रिएट करते हैं ऑडियंस के साथ वो बहुत ही अच्छा है। दिस और डायरेक्शन इज वॉज अ प्रीटी गुड। मूवी के एक सीन में कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में बोला गया। सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता था ऐसे भी कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं। वहाँ पे आप लोग थोड़ा कुछ वहाँ से सीख सकते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो अब क्या है, मूवी ब्लॉकबस्टर है क्या? इस मूवी दबा के पैसे कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे, या फिर ये डूबते हुए अक्षय सर की करियर को फिर से ट्रैक पे ला पाएगी?
मुझसे पूछोगे तो आंसर होगा नहीं, ये मूवी वो ब्लॉकबस्टर नहीं है जो अक्षय सर की लाइफ को फिर से ट्रैक पे ले आ सकती है। जब ओरिजिनल मूवी एवरेज थी तो कैसे मूवी ग्रो कर सकती है ऐसे भी बॉलीवुड जैसे बड़े इंडस्ट्री में। स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसलिए हम लोग हॉल में वो मजा नहीं ले पाते जो हमें चाहिए, क्योंकि एक बेसिक स्टोरी लाइन के साथ कोई मूवी देखने नहीं जाना चाहता, उसको प्लॉट में ट्विस्ट चाहिए, टर्न्स चाहिए, एक एडवेंचरस जर्नी चाहिए, पर ये मूवी हमें वो मजा नहीं देती। इसमें जर्नलिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है वो एकदम बकवास है, क्योंकि जर्नलिस्ट को इस मूवी में जस्ट अ जोकर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। ऐसे जर्नलिस्ट कोई भी टॉपिक उठा के उसके पीछे नहीं भागते हैं, ये जस्ट अ जोक। मूवी कभी कभी अपना पेस खो देती है जो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जैसे जबरदस्ती बॉलीवुड वाइब मेंटेन करने के लिए उसको फिल्म में डाला गया है जो ओरिजिनल से बिल्कुल अलग है। अगर ओवरऑल बात करें तो ये मूवी में कुछ प्रॉस भी है कॉन्स भी है, पर मूवी को एक चांस मिलना ही चाहिए, क्योंकि कुछ बॉलीवुड अभी बहुत पीछे चल रहा है, अदर फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उन्हें चांस दे रहे हैं, हो स्टोरी लाइन हो जो भी हो। अगर रीमेक मूवी देखना नहीं चाहते हो तो फिर हॉल में जाके मत देखो, ये मेरा सजेशन है, हॉल में जाके मत देखो, जस्ट OTT रिलीज के लिए वेट करो, पर मूवी को एटलीस्ट चांस दो। और मेरा रेटिंग रहेगा इस मूवी को जस्ट 5 में से 2 में देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही पोर एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी, बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन था, तो फिर वो मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर तुम्हें बहुत खाली समय है तुम्हारे पास तो जाके देख सकते हो ये मूवी। अब बात करते हैं इस मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो ये एक प्रेडिक्शन है, कम ज़्यादा हो सकता है, मेरा ख्याल है ये मूवी अपने स्टार्टिंग डेज में, इनिशियल डेज में 10 करोड़ के आसपास ही रहेगी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं मूवीज मॉन्क मेरे साथ। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग मोर।